आज के वीडियो में बात करने मिले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 2021 एडमिशन फॉर्म आ चुका है। बीटेक कोर्स, बीएससी कोर्स और एमसीए एमबीए के लिए यानी कि पीजी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यूजी का जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यूजी का जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी जो है पीजी के लिए स्टार्ट हो चुका है, बीएससी एमसीए एमबीए MBA यानी कि जो दो ईयर्स का होता है HA के लिए, तो आप इस सभी का फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर जानेंगे आपको चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय PG अप्लीकेशन फॉर 2021 का कैसे फिल करना है। इससे पहले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है CCU web.in पे आ जाना है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पेज पा सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको जो है एडमिशन पोर्टल के ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इस ऑप्शन जो है क्लिक कर लेते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और आप जो है admission.ccsu web.in पे आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर जो है UG एडमिशन पर क्लिक करते हैं तो अभी जो है स्टार्ट नहीं लेंगे, इसका एक्टिवेट नहीं हुआ है। और यहाँ पर इसे एडमिशन 2021-22 पोर्टल का को जो है ओपन कर दिया गया है। तो अगर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, राइट क्लिक करना है, ओपन करना है, ओके, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, तो वो कुछ समय बाद ट्राई करना है या फिर आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है अप्लाई करने वाले हैं वो पीजी कोर्स के लिए। तो हम देखते हैं बीटेक बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस से और एमसीए एमबीए और एमबीए एचए के लिए आप आसानी से यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एंड बीबीए के लिए। चलिए इसका जो है स्टेप बाई स्टेप फॉर्म फिल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको इस ऑप्शन पर जो है क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एडमिशन एग्जाम से 2021-22 और यहाँ पर सिंपली आपको इस तरह का पेज खोलेगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए इस ऑप्शन जो क्लिक कर लेते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कोर्स का लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले इस पेज पर आने के बाद यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, तो आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए उसके बाद आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। एक बात को ध्यान रखना है, अपना नाम, पिता या माता का नाम जो है, जन्मतिथि, वो चेंज की मार्कशीट के अनुसार ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो एडमिशन थ्रू प्रवेश माध्यम आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना, जैसे CCSU यूनिवर्सिटी मेरठ, UPSEE थ्रू आउट JEE मेंस। और यहाँ पर जो है आपको तीन ऑप्शन दिया गया है जिसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, CCSU यूनिवर्सिटी मेरठ, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है UPSEE थ्रू JEE आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पर जो है चूज करेंगे। चलिए उस कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो बहुत सारा कोर्स है जैसे BBA, इसके बाद BBHA है, उसके बाद BSc ऑनर्स है, और BSc में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, उसके बाद BTech में सभी ब्रांच है, और यहाँ पर MBA MCA के लिए, ओके। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्म एक कोर्स सेलेक्ट करके बता देता हूँ, आप किसी का भी फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो सेम प्रोसेस है। चलिए मैं यहाँ पर जो है BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कर लेता हूँ। और ईयर आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर रहने देना है, और यहाँ पर कैंडिडेट नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है, ओके, विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम इंटर करेंगे जो कि चेंज सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ सिंपली मदर नेम आपको इंटर करना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, सिंपली आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ईयर से बिलोंग करते हैं वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको जन्मतिथि आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपको इंटर करना है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वैलिड इंटर करना है, तो यहाँ आपको ईमेल आईडी इंटर कर देना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है, और सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा जिसको आप यहाँ पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सक्सेसफुल जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको फॉर्म नंबर ये मिल चुका है, और यहाँ पर आपको जो है पासपोर्ट जो है यहाँ पर आपको मिल चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक हेड टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पर जो फॉर्म नंबर पासपोर्ट को स्क्रीनशॉट कर लेना है, या फिर आपको यहाँ पर जो है सेव करके रख लेना। चलिए आपको यहाँ क्लिक हेड टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ से जो है लॉगिन करेंगे और फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म नंबर आपको इंटर करना है जो आपको मिला है, और यहाँ पर जो पासपोर्ट आपको मिला है वो पासपोर्ट आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपको यहाँ पर जो है व्हाट इज 2+2, यहाँ पर 4 आपको इंटर कर देना है। आपको किस में डिफरेंट होगा तो डिफरेंट आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है, और यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर फॉर्म नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर पासपोर्ट आप इंटर करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन ये आप यहाँ पर इंटर करेंगे, सबमिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक विल बी प्रोवाइड टू यू सोन, ओके। तो यहाँ पर जो है अभी तक जो है ये स्टार्ट नहीं, रजिस्ट्रेशन लिंक जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर कुछ समय वेट करना। फिलहाल मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, यहाँ देखिए अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो है फिल रजिस्ट्रेशन, आपको लॉग इन करने के बाद आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट
करना है, जैसे अपने बारे में पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करना है, और भी जैसे एजुकेशन डिटेल्स 10th 12th का आपको यहाँ पे इंटर करना है। अगर आप पीजी कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री तक का आपको डिटेल्स देना होता, लेकिन आप अगर यहाँ पर बीएससी या फिर यूजी कोर्स सेलेक्ट करते हैं, बीबीए सेलेक्ट करते हैं, तो आपको सिंपली इंटर लेवल पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, आपको यहाँ फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फी जो है, सॉरी फ्रेंड्स, आपको एडमिशन फी जो है आपको जो भी फॉर्म का चार्ज है वो आपको यहाँ पेमेंट करना है, तो आपको फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, पेमेंट रिसिप्ट, जिसको आप यहाँ पर डाउनलोड करके रख लेंगे। तो इन तरीका से आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे ये लिंक एक्टिव होगा तो मैं फिलहाल फिर से वीडियो बना दूंगा और आप उस वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, फिलहाल आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे ही फॉर्म का लिंक एक्टिवेट होगा तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स की लिस्ट आप देख सकते हैं कि 2021-22 के लिए एडमिशन में बीटेक ऑल ब्रांच है, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमबीए, एमबीए हॉस्पिटल, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको बीबीए का ऑप्शन मिल जाता है। तो इन सभी कोर्स के लिए आप यहाँ पर 2021 एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और CCSU में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ फॉर्म कंप्लीट करना है। फिर भी आपको मन में किसी प्रकार दिक्कत हो तो कमेंट करके वीडियो अच्छा लगे, वीडियो कीजिए लाइक और इस तक वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। थैंक यू फ्रेंड्स।